टिबैलिस पोस्टीरियर मसल की स्ट्रेंदनिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में अभी अभी हम बात कर रहे हैं टिबैलिस पोस्टीरियर मसल कहाँ होती है आपके पैर में काफ वाला जो पोर्शन होता है ना पीछे जिसे हम पिंडली के नाम से भी जानते हैं काफ वाले पोर्शन में सबसे अंदर की ओर ये मसल लोकेटेड होती है और जिसका मेन जो पर्पज है वो आपके चलने के दौरान दौड़ने के दौरान अपने फुट के स्टैंड करने में मदद करती है और आ, पैर में आर्चेस होती है फुट में आर्चेज होती है जिसे जो हम देख भी पाते हैं पैर में में अंदरूनी ओर मीडियल लॉन्गिट्यूडल आर्च होती है और आ, फुट में थोड़ा पैर ऊपर जब हम फुट को ऐसे खड़ा करते हैं तो ये जो चीज़ है मीडियल लॉन्गिट्यूडल आर्च है और यहाँ आर्च होती है पैर में आड़े में जिसे हम ट्रांसफर्स आर्च कहते हैं टिबेलिस पोस्टीरियर मसल इन दोनों आर्चिस के मेंटेनेंस में भी मदद करती है प्राइमरीली मीडियल आर्च पोस्टीरियर के uh, अलग अलग जगह पर जो इंसर्शन हो रखे हैं उससे मेंटेन होता है और ट्रांसफर्स आर्च मेनली अलग अलग बोन्स के टुकड़ों से मिलकर बनी होती है फाइनली जब हम अपना पैर नीचे की ओर मोड़ रहे होते हैं तो टिबेलिस पोस्टीरियर मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको एक पूरा सॉलिड ब्लॉक का शेप देती है तो जाहिर सी बात है ये मसल हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है फुट के मैनेजमेंट के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर दीपा इसमें डेमोंस्ट्रेशन में हमारी मदद करेंगी पहले लेवल के एक्सरसाइज में इसका मेन फंक्शन कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे इस वाले फुट को आप मोड़ लीजिए ताकि ये वाला कोटे में दिखने लग जाए ये जो इन्वर्जन वाला मूवमेंट है यानी आपका फुट न्यूट्रल है यहां से इन्वर्जन वाला मूवमेंट और एडक्शन uh, यानी अंदर की ओर मूव कराने वाले मूवमेंट्स को इस्तेमाल हम लोग करेंगे आप सिंपली इस पैर को ऐसे मूव करके कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे पाँच से दस सेकेंड्स के लिए फिर रिलीज करके वापस रिलीज करेंगे आप टेबल के से दीपा थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे आपका पैर टेबल की एज से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है आपका फुट बाहर निकला हुआ है अब आप सेम मूवमेंट करेंगे एंड कोई आपके पास कलीग या एग्जामिनर या कोई भी पर्सन साथ में जो इस मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा ये मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ दीपा इसे अंदर की ओर पुल करने की कोशिश कर रही है कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे मेंटेन करेंगे इस दौरान वो अपने मसल में अच्छा खासा एक एहसास में, में, महसूस करेंगे फिर दस सेकेंड्स के बाद आप इसे रिलीज कर देंगे अगेन टाइट होल्ड रिलीज पाँच से दस बार के लिए आप इनिशियली इसे करेंगे फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते जा सकते हैं इसी में फर्दर प्रोग्रेशन के लिए एग्जामिनर या आपका जो भी कलीग हैं आपके पास किस तरीके से थैराबन थैराबन बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है और जिसमें आप एडिशनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अभी फुट आपका न्यूट्रल पोजिशन में है मैं यहाँ से खींच रही हूँ एंड दीपा विल पुलिट इन साइड फूड को हम थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे ताकि फुट पूरा पूरा मूव ना हो इस थेराबन की धीरे धीरे हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा सकते हैं यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाते जा सकते हैं और अपने आप के लिए एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट बनाते जा सकते हैं रिलीज रिपीट होल्ड रिलीज पांच से दस सेट्स में आप इसे इनिशियली करेंगे और ऐसे दो से तीन सेट्स आप शुरुआत में करेंगे। इस एक्सरसाइज में जिसमें हमने टिबेलिस पोस्टीरियर मसल के लिए इस तरीके के मूवमेंट्स के आपको याद रखना होगा कि आपका फुट जो है वो ऐसे नीचे की ओर झुका रहे अगर आप इसे फुट को ऐसे ऊपर की ओर रख के इसे करने की कोशिश करेंगे तो ये एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं होगी क्योंकि आप आगे वाले मसल्स को भी इक्वली एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपका पोजिशन क्या होगा फुट स्ट्रेट है नी स्ट्रेट है फुट uh, आपने नीचे की ओर झुका के रखा जैसे हम प्लांट फ्लैक्शन कहते हैं और फिर आप ये जो अभी हमने सारी एक्सरसाइजेस पर बात की उसे करेंगे